तो दोस्तों फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भरा हुआ था और जिसकी वजह से इसका आइस बॉक्स चौक हो गया था और इसमें कूलिंग नहीं हो रहा था क्योंकि इसका कंप्रेसर ने ऑयल फेंक दिया था। तो दोस्तों किस तरीके से हम ऑयल निकालते हैं आप ये देखना है इसमें, और कितना ऑयल इसमें, ये देखो आप देख रहे हो कितना ऑयल निकल रहा है। तो दोस्तों ये जितना भी ऑयल जब तक हम इसको क्लीन नहीं करेंगे हमारे फ्रिज में, आप चाहे कितने कंप्रेसर लगा लो कोई सेंस नहीं है जब तक ये पूरा क्लीन ना हो जाए। तो दोस्तों ये जो क्लीन करने का तरीका वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेट्रोल ये पाइप इसमें जोड़ने के बाद हमें पेट्रोल से इसको साफ़ करना है। तो दोस्तों ये देखो जिस समय इसमें पेट्रोल डाल रहा हूँ मैंने ये बना रखा है, ऐसे आपको भी बना लेना है एक फ़िल्टर है काट के और ऐसे पेट्रोल भर के थोड़ा नीचे कर देना उसको 2 मिनट बाद जाकर, और फिर प्रेशर लगाना आपको जैसे ही पाइप में चला जाए फिर प्रेशर लगाना ऐसे, फिर दबा के रखना है। तो जैसे आप दबा के रखोगे फिर देखो कितनी स्पीड में, देखो कितना ऑयल, तो ये सारा ऑयल दोस्तों निकलना बहुत ज़रूरी है। देखो कितना ऑयल इसमें से निकल रहा है, आप देखो दोस्तों पेट्रोल बहुत बढ़िया तरीका है इसका ऑयल निकालने का। आप कुछ भी लगा लो लेकिन जितना बढ़िया रिजल्ट पेट्रोल से मिलता है और किसी चीज़ से आपको नहीं मिलेगा।